गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ बेटा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ इंडियन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू द लेसन. डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक? नो मैम. नो इट्स ऑल राइट कंटिन्यू द लेसन. बोलो दिक्कत है? BPL बता दीजिए सर. BPL. BPL. Yes ma'am. Below poverty line एक लाइन है imaginary line जिसको कि हम लोगों ने economics में पढ़े होगे तुम कि उसमें count कर लिया गया है कि एक common क्या हुआ ये economics का ही ninth में पढ़े हैं. ninth में पढ़े हो last lesson में food security में. it is familiar topic for you. प्रीवियस नॉलेज में तुम्हारा क्लास 9 का फूड सिक्योरिटी जो है वो पढ़ाया जा चुका है. तुम लोग पढ़े हो जानते हो. बीपीएल का मतलब होता है कि पर्सन दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. एक पॉवर्टी लाइन है. पॉवर्टी लाइन जानते हो ना जिसको गरीबी नॉट एबल टू अफोर्ड द फूड. हाँ उसमें एक साधारण सा कंजम्पशन तैयार कर दिया गया एक एस्टिमेट कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भोजन माने जो हमारे बेसिक नीड्स हैं भोजन कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स का कितना लागत. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ बेटा गुड मॉर्निंग. तो उस बेसिक नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए उसे कितने खर्चे की आवश्यकता है तो उसके एक्सपेंडिचर से एक अमाउंट फिक्स कर लिया गया है कि इतना है. मान लो तो शहरों का अलग है और गाँव का अलग है तो उसको मान लिया गया है कि यदि इतना तक इनकम है उस पर्सन का तब तो वो ठीक है पॉवर्टी लाइन पर है यानी कि एपीएल हो गया एबव पॉवर्टी लाइन. नहीं तो और यदि उससे कम इनकम है तो वो बीपीएल हो गया यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी उसका जो इनकम है वो इतना नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके तो वैसे लोगों को बीपीएल के कैटेगरी में रखते हैं. ठीक और बोलो और आगे चला जाए. हाँ बेटा बोलो. हाँ बोलो बाबू. मैम अगर उसकी इनकम अभी एबव पॉवर्टी लाइन से ज्यादा है और फिर बाद में बिलो हो गई तो उसको क्या होगी? तो वही ना कहा जा रहा है वैसे जो किसानों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है जब सर्वे हो रहा है तो मान लो उसकी अच्छी फसल हुई है तो वो एपीएल आ गया है. कभी कभी वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू देयर माने नेचुरल कैलामिटीज से भी वो क्या हो जाते हैं कभी कभी स्लिप बैक होकर के बीपीएल में भी आ जाते हैं. तो हर समय उनका इस तरीके से सर्वे करना तो संभव नहीं है तो इसीलिए वैसे लोगों को बहुत ज्यादा असुविधाएं होती हैं. वो वास्तव में बीपीएल ही रहते हैं लेकिन जब काउंटिंग हुआ सर्वे हुआ तो वो एपीएल में काउंट कर लिया गया. अब उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है और वो सारी सुविधाओं से वंचित हैं तब अब तो उनको बार बार बीपीएल में लाने के लिए फिर से काउंट नहीं किया जाएगा ना. तो इस वजह से दिक्कतें होती उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है. वो सारे फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाते हैं और उनके पास इनकम भी उतना नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके तो ये दिक्कतें आती रहती हैं. बोलो और तो मैम वो अपनी प्रॉब्लम्स बता के बिलो प्रॉपर्टी लाइन में नहीं आ सकते हैं. डाटा कितने साल पे मतलब होता है वो डाटा? ऐसे तो जब हम लोगों का जनसंख्या गणना होता है ना तो ये सेंसस हर 10 साल पे होता है
तो उसी समय ये सारा कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कौन कितना है, उसका क्या इनकम है, क्या करता है, उसके पास कितनी खेत है, किस क्लास का, ये सारा हो जाता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम फिर से भी वोटर लिस्ट अगर अभी तैयार होता है तो बीच बीच में सर्वे होता रहता है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कब सर्वे करवाना शुरू कर दे, और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इसके लिए जिम्मेदार कि वो समय समय पर जो एपीएल बीपीएल का एस्टीमेट है, जो उसके लिए जो पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन है, उसको भी अपलिफ्ट करती रहती है, क्योंकि हमेशा एक ही जैसा इनकम तो बराबर नहीं है ना। महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से उनका इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो ये सारा मैंने सेटअप करना ये गवर्नमेंट का काम है, और इसको पूरा सर्वे करने के बाद, इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करने के बाद, जैसे कि तुम लोग पढ़े हो कि हम लोगों के बहुत सारे हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो इन सारी चीजों में एक्सपर्ट है वो। हाँ बेटा बोलो। ये बात कर रहे हैं बेटा, बात करना है तो उसको म्यूट कर लो ना। ये उनका ये है फैजल, फैजल है, विशाल है, तो तुम म्यूट कर लो, बात कर रहे हो तो। चलो बेटा अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यही ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव किसका, ग्लोबलाइजेशन। पहले बताओ ग्लोबलाइजेशन हम किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत सुने हो, ग्लोबल वार्मिंग आदान प्रदान। हाँ क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग तो सुने हो। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोब का मतलब ही क्या है बताओ। What is globe? Melting of ice. संसार. Melting of ice globe है. International trade होता है, open or freely वही. Trade open or free? Trade open or free? Open or freely जो होता है international trade. बोलो और कोई बोलो, ठीक है तुम भी अपने जगह पे सही, और कोई बोलो बेटा। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग बताओ, बड़ा साइंस में पढ़ते हो तुम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी पढ़ रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, मैम? इन द 19th सेंचुरी व्हेन द यूरोप ट्रेडर्स मैम जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सब मैम एटमॉस्फेयर में ग्लोब का मतलब ना पूछा जा रहा है, ग्लोबल अभी बहुत तुम लोग सुनते हो, ग्लोबल लोकल वोकल, तो ये ग्लोबल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल, किसे कहेंगे ग्लोबल। यहाँ तुम एक टॉपिक देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन है ना, तो ये ग्लोब किसको कहते हैं, भूमंडल, जी एल ओ ए भी होगा ना ग्लोबलाइजेशन, अर्थ के मॉडल को, भूमंडल अर्थ के मॉडल को, ओवल शेप का स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। और ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, जी एल ओ बी है, वैश्वीकरण प्रोसेस हो गया। हाँ वेरी गुड, वैश्वीकरण, बहुत सही। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है ना कि ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड ऑल द गुड्स आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द कंट्रीज आर फ्री टू ट्रेड विद एनी कंट्री एंड द रेस्ट्रिक्शंस आर व्हाट रिमूव्ड, व्हिच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो हमारे रेस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि बाहर से हमें सामान मंगवाना है, यहाँ का सामान एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी समय समय पे आती रहती है। और पहले क्या था, जब हम लोग आजाद हुए थे उस समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, और विदेशों के सामान हम आसानी से नहीं खरीद सकते थे, काफी महंगे होते थे क्योंकि उनपे इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रहता था। तो गुड्स जो थे बहुत ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो नहीं सर्कुलेट हो पाते थे, तो उस समय अपने कंट्री तक ज्यादातर लोग सीमित रह जाते थे। अब क्या है, एजुकेशन के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे जॉब के लिए भी, फॉर बेटर इनकम भी, लोग दूसरे दूसरे देशों में भी चले जाते हैं, वहां भी सेटल हो जाते हैं। अब
कोई पर्टिकुलर एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रह गया है। तो ये एक दूसरे देशों में जा करके रहना, एक दूसरे के जगह पे कोई भी वस्तु को पा जाना, खरीदना बेचना, ये सारे जो ट्रेड है ये बहुत ही फ्री कर दिए गए हैं, लिबरलाइजेशन हो गया। जो नियम कानून बहुत प्रतिबंधित था वो अब बहुत लिबरल हो गया, लचीले नियम बना दिए गए हैं। और इससे क्या हो गया है कि कोई भी वस्तु किसी भी जगह पर आसानी से आ जा सकती है, हम खरीद सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी इफ यू वांट वी कैन गो, अब वो बाहर विदेशों में भी जाके शिक्षा ले सकते हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं हो गई हैं, इसका मेन कारण है ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ तुम्हारे पास जो अभी टॉपिक है बेटा वो क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के हो जाने से इसका क्या प्रभाव है हमारे एग्रीकल्चर पर, दैट मीन्स ऑन द फार्मर्स, किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फैमिलियर विद द कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन से, उपनिवेशवाद से सब फैमिलियर हो या नहीं हो, इंडिया भी बहुत दिनों तक दूसरे इंग्लैंड का कॉलोनी रहा। तो आखिर उसके पहले भी मुगल का था, फिर बहुत सारे आक्रांता आके यहाँ पर अपने आप को ऑक्यूपाई करके रख के। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो म्यूट करें, आवाजें आ रही है तरह तरह की। म्यूट हो जाओगे या म्यूट कर दें यहाँ से, बोलो। हम लोग म्यूट कर ले रहे हैं मैम। हाँ बाबू कर लो, नहीं तो आवाज आ रही है ना, डिस्टर्ब होता है, सुनाई नहीं पड़ता है। देखो पीछे किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं, बुला रहे हैं किसी का नाम लेकर, देखो डिस्टर्ब हो रहा है ना, म्यूट कर दे रहे। ओके, पढ़ा लेंगे टॉपिक, फिर ऑन कर देते हैं, फिर तुम लोगों को जोड़ लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. तुम लोगों ठीक है मैम, सोचना चाहिए बेटा, और लगता है ना सारे बच्चों के बीच में आवाज आ रही है, और सोचना चाहिए कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। सब चीज कॉमन हो जाता है, सबके बीच में ओपन हो जाता है, ये सारी बातें जो अपने घर की, इसको थोड़ा सा सीक्रेट ही रखने से अच्छा है। घर में झगड़ा हो रहा है, तुम लोग अनम्यूट किए हुए, खोले हुए, पूरा आवाज आ रहा है सबके बीच में, वो एकदम सर्कुलेट हो रहा है, नहीं ठीक लगता है। थोड़ा समझदार बनो, अब तुम लोग होशियार हो गए। चलो, अब हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे कि कॉलोनियलिज्म। हम लोगों ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे विदेशों से लोग आते थे, इसके ऊपर अपना कब्जा बना लेते थे, अपनी कॉलोनी बना लेते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेस थे जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी, और इन्हीं सब चीजों से अट्रैक्ट होकर वो यहाँ आते थे, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो कॉटन हो, डिफरेंट तरह के रिसोर्सेस हमारे यहाँ अवेलेबल थी। और बहुत पहले से ही हमारे देश की चीजें जो हैं वो दूसरे देशों में, विश्व के अलग अलग भागों में भेजी जा रही थी, बेची जा रही थी। और अब क्या हो गया है, अब तो ग्लोबलाइजेशन सारी दुनिया के लिए ओपन हो गया है, तो अब नियमबद्ध तरीके से, लेकिन पहले भी ये सारी चीजें हो रही थी, चल रही थी लगातार। उस समय भले हम इसको दूसरे रूप में देखते थे, जो शक्तिशाली राष्ट्र होता था, जो पावरफुल कंट्री होता था, वो दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर लेता था, उनको इकोनॉमिकली, उनको पॉलिटिकली अपना गुलाम बना लेता था, स्लेव कंट्री वो कहलाने लगते थे, ये सब इंपीरियल कंट्री कहलाने लगते थे। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा चल रही है, लेकिन अभी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन से तीन चीजें हमें बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत ज्यादा विजिबल हो गई है। क्या चीज? पहला चीज है लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में जो फोर्थ लेसन है ना, उसमें यही टॉपिक है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारी जो नियम कानून थे, जो रेस्ट्रिक्शन थे ट्रेड बैरियर्स के ऊपर, जो रेस्ट्रिक्शन थे उसको बहुत लिबरल कर लिया गया, एकदम लचीला हो गया। आसानी से कोई भी अपने यहाँ सामान बना करके उसको बेच सकता है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, और वो मार्केट में सर्कुलेट होने लगते हैं। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि सरकार जिसको परमिशन दे वही उन सारी चीजों को बनाएगा, चाहे सरकार ही हर निकाय में इन्वॉल्व रहेगी, नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया गया ताकि कंपटीशन अच्छा हो, एक दूसरे के देखा देखी लोग गुड्स को वैसा प्रिपेयर करें जो वर्ल्ड मार्केट में डिमांड पर है। तो ये सारी चीजें इतनी जरूरी हो गई हैं आज के समय में कि हम भी अपने गुड्स को बहुत अच्छा बनाए, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिट कर पाएंगे। और ऐसा होने से क्या हो गया है कि जब उसके प्राइस को हम कंपेयर करते हैं तो दुनिया में उन्हीं गुड्स की प्राइसेस कहीं कहीं कम भी हो जाती हैं। जैसे कि अभी तुम लोग
अमेरिका वाला एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि उसमें 1% से भी कम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट वहां पर यदि सब्सिडी देती है किसानों को अपने तरफ से कि तुम लगाओ, तुम खेती करो, तुम्हें जितना मदद है हम तुम्हें देते हैं, कौन कह रहा है? अमेरिका की गवर्नमेंट कह रही, तो उनके लिए तो 1% लोग है ना बेटा। लेकिन हमारे कंट्री में तो आज के डेट में भी 52% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी मोर देन 50%, यानी मेजोरिटी में लोग हमारे यहाँ किस सेक्टर में है? तो प्राइमरी सेक्टर में, वो भी एग्रीकल्चर में। तो इतनी सारी आबादी को कहां से सरकार सब्सिडी दे पाएगी उतना ज्यादा? तो हमारे यहाँ जो किसान जो भी गुड्स को ग्रो करते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक ही एग्रीकल्चर है, हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें जो है वो महंगी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जितना उस पर इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इनपुट्स के रूप में खाद हो, फर्टिलाइजर्स हो, या HYB सीड्स हो, या पावर का यूज किए हैं, बिजली के लिए, बिजली की आवश्यकता पड़ती है पानी वगैरह के लिए, पानी चलाना है ना इरिगेशन के लिए। तो अब इन सारी परिस्थितियों में जब किसान को वो लागत ही नहीं मिलेगा तो वो बेचारा क्या कमाएगा? उसको फिर फ्यूचर के लिए भी अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे जो भी चीजें उसके मॉडिफिकेशन के लिए भी उसको जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसका सारा इन्वेस्टमेंट इसी पर है और सारा इनकम भी इसी पे है, इसी पे डिपेंड करता है। तो यदि हम लोग इंटरनेशनल, अब अमेरिका की गेहूं से यदि हम कंपेयर करने लगेंगे तो हमारा गेहूं महंगा हो जाता है, तो वहां पे अमेरिका का गेहूं हर कोई खरीदेगा क्योंकि वो सस्ता है, और हमारे किसानों का गेहूं नहीं खरीदेगा कोई। यदि बाजार खोल दिया जाए फूड ग्रेन्स के लिए तो हमारे किसानों को बहुत लॉस होने लगेगा। अब तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन अच्छे प्रभाव भी है। अच्छे प्रभाव में क्या है? तो बहुत सारे ऐसे अवसर भी हमें मिले हैं कि हम केवल फूड ग्रेन्स तक सीमित ना रहें, उन चीजों को भी ग्रो करें जो वर्ल्ड में बहुत अच्छे डिमांड पर हो, जैसे हर्ब्स, हमारे फ्रूट्स, तरह तरह के हमारे फ्रूट्स जो है बहुत ग्रेट डिमांड में है वर्ल्ड में। अब हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो वही यहाँ पे टॉपिक में बेटा हमें पढ़ना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, हमारे भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, और एग्रीकल्चर पर विशेष रूप से, बिकॉज आवर टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड वी हैव टू स्टडी हियर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, हमारे देश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और बाकी जगहों पर भी इसका क्या इम्पैक्ट था और पड़ रहा है, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेना, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। क्या कहा जा रहा है? ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है बेटा। आपको ये, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, वी हैव डिस्कस हियर दैट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो द डिफरेंट कंट्री कम टू आवर कंट्री एज वेल एज द डिफरेंट कंट्रीज टू टेक द रिसोर्सेज विच वेर अवेलेबल एट दैट प्लेस। जो भी रिसोर्सेज जिस जगह पर उपलब्ध होती थी उसको लेने के लिए बहुत सारे विदेशों के लोग आते थे, अलग अलग देशों की कंपनियां आती थी, जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारी चीजें होती थी। इसीलिए ये कोई नई प्रक्रिया नहीं, इट इज नॉट ए न्यू फेनोमेना। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, 19वीं शताब्दी में जब जो यूरोप के व्यापारी थे, जो यूरोप के मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जब वो सब भारत में आए, फिर क्या हुआ? At that time too, Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops. उस समय भी भारत के मसाले, spices, दुनिया के विभिन्न भागों में बेचा जाता था, supply होता था, और उनको encourage किया जाता था कि आप मसालों को produce करें, production करें, उत्पादन करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा demand पर है। तुम लोग सुने होंगे, तुम लोगों को जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा क्लास 8 वाले टॉपिक में, कि जब यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया का नाम सुना, हमारी भारत जो है वो सोने की चिड़िया कही जाती थी। सुनते हो ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वैसा था हमारा भारत देश। तो दुनिया के तमाम लोग चर्चा में रखते थे इंडिया को, यहाँ के मसाले बहुत प्रसिद्ध थे। 1498 में ही वास्को डिगामा आया, कहां पर? हमारे इंडिया में, किस जगह? केरला का एक प्लेस है कालीकट, अभी भी है, वहां आया
और वो ब्लैक पीपर जो काली मिर्च होती है उसे देखा, तो वो उस जमाने में 1498 की बात है, उस समय वो यहाँ पर उसे 21 रुपीस केजी मिला। वो उसे यहाँ से ले गया और देखा, उसको लगा कि अरे इसमें तो बड़ा मुनाफा है और इसका बहुत ज्यादा डिमांड है यूरोप में, जो ठंडे देश है ना वहां पे इन गर्म मसालों की काफी डिमांड रहती है और लोग पसंद करते हैं वहां, और उसे ले जाकर के बहुत अच्छी कीमत पर बेचा, काफी मुनाफा कमाया। उसके देखा देखी पोर्चुगीज आए, वो पोर्चुगल ही था, पोर्चुगीज ही था पोर्चुगल का। उसके देखा देखी डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश भी आए, इंग्लिश अंग्रेज जो बाद में हमारे कॉलोनियल मास्टर बन गए। तो उस समय से ही हमारे यहाँ की कुछ गुड्स इतनी अच्छी थी कि वो वर्ल्ड डिमांड पर थी और उन चीजों को इनकरेज किया जाता था इंडिया में ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा था। टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज के समय में भी भारत के जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट आइटम में है माना जाता है। आज भी हमारे यहाँ के मसाले बहुत ज्यादा निर्यात होते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटीरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अभी हम लोगों ने तुरंत इसके बारे में चर्चा की कि हमारे यहाँ का कॉटन भी बहुत ही बढ़िया है, विश्व स्तर पर इसकी डिमांड थी। एक हेनरी पटुलो था, वो कहता था कि दुनिया में हर चीज की मांग कम हो सकती है लेकिन इंडियन कॉटन की मांग कभी कम नहीं होगी, क्योंकि इतनी अच्छी वैरायटी की कॉटन दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता था। इतना फाइन रेशा होता है हमारे यहाँ के कॉटन का, एकदम व्हाइटेस्ट एक कॉटन होता है, तो उसका कलर जो है वो ब्राइट नहीं होता। हमारे यहाँ का कलर भी बहुत सुंदर रहता है व्हाइट। तो इंडिया के कॉटन आज भी डिमांड पर है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो मैनचेस्टर या लिवरपूल, ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट प्लेसेस हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैडम ये लिवरपूल क्या दिया है, मैनचेस्टर क्या दिया है, तो ये नाम है बेटा, शहर के नाम है। दीज आर द टू सिटीज, विच टाइप ऑफ सिटी, इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ इंग्लैंड। वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता था फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, तो वो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से ही जाता था और भारत के कॉटन से वो जब कपड़ा बनाते थे तो उसकी मांग पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा थी। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आप लोगों ने पहले भी चर्चा किया होगा, फिर इस बार पढ़ोगे हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है उसमें चंपारण मूवमेंट के बारे में, जो कि स्टार्ट यहाँ तो दिया है 1917 में, लेकिन तुम्हारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में अभी तक तो 1960 दिया था, पता नहीं इस बार कुछ चेंज किया है या क्या किया है, लेकिन 1970 यहाँ पर दिया है। तो आप यदि इससे रिलेटेड हैं तो आप ये ध्यान रखिए 1970, लेकिन हिस्ट्री वाला जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तो उसको फिर कंसिडर किया जाएगा कि इस बार उसको रिन्यू करके 17 किया है या पुराना ही वाला है, उसमें 1916 दिया गया है। This was started because farmers of that region were forced to grow indigo. Indigo cultivation तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है बेटा, पढ़े हो ना, इंडिगो नील की खेती, लोगों से जबरन खेती करवाई जाती थी और नील को प्रोड्यूस किया जाता था वहां के फैक्ट्रीज के लिए, जिससे ब्लू कलर बहुत ज्यादा डिमांड पर था इंग्लैंड में, तो वही इंडिगो कल्टिवेशन के लिए भी दिया गया है कि इंडिया में ही उसको ग्रो करवाया जाता था, क्योंकि इस तरह का इंडियन वैरायटी का जो इंडिगो था वो हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर उसकी भी सप्लाई की जाती थी। क्यों सप्लाई की जाती थी? क्योंकि ये जो इंडियन वैरायटी हमारे यहाँ अवेलेबल था ये बहुत अच्छा, इसका कलर जो था वो बहुत बढ़िया था, बाकी भी कलर थे लेकिन वो बहुत जल्दी फेड हो जाते थे, तो इसकी भी डिमांड थी और इसके लिए भी इन लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रो करने के लिए बहुत ही माने बुरे तरीके से लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते, बहुत रिप्रेसिव मेजर्स के साथ लोगों से कल्टीवेशन करवाया जाता था, क्योंकि नील उगाने के बाद जमीन जो है वो बंजर हो जाती थी। वही कंडीशन अफीम की खेती के लिए तुम लोग पिछले साल पढ़े, ओपियम कल्टीवेशन,
जबरन लोग अपने खेतों पर जहाँ पल्स उगाते थे, दलहन की खेती करते थे, जो सबसे बढ़िया उनका खेत होता था, जहाँ जो गांव से सबसे करीब होता था, उसमें जबरन अंग्रेजों द्वारा अफीम उगवाया जाता था और उस अफीम को जा करके वो लोग चाइना में सप्लाई करते थे और वहां से चाय खरीद करके उसको इंग्लैंड ले जाते थे। पिछले साल क्लास 9th में तुम लोगों ने पीजेंट्स एंड फार्मर्स में इस टॉपिक को भी पढ़ाया। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि इंडिगो को भी यहाँ पे ग्रो करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन। किसके लिए इंपॉर्टेंट थे? उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो ब्रिटेन में वहां पर लोकेटेड थे। दे वेयर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। बेचारे नील की खेती करते थे, मजबूर थे वो, क्योंकि यदि नील की खेती करते थे उसके बाद उनकी जमीन बंजर हो जाती थी, फिर वो उस पर अनाज नहीं उगा पाते, और यदि अनाज नहीं उगाते तो अपने खुद क्या खाते, अपने फैमिली मेंबर्स को क्या खिलाते। तो इस वजह से वो नहीं खेती करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरन खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश नीड्स विच वेर रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अंडर ग्लोबलाइजेशन, देख लो यहाँ पे क्या दिया गया। 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1919, स्टूडेंट्स दिस इज फॉर योर इम्पोर्टेंस, तुम्हारी जानकारी के लिए है और तुम इसको ध्यान भी दोगे, अंडरलाइन भी करोगे। द फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। नई चुनौतियां, कौन सी चुनौतियां आई? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। व्हाट वेयर दीज? डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. अभी हम लोगों ने चर्चा की है इसके बारे में कि जैसे बहुत सारे countries हैं वहाँ agriculture बहुत कम लोगों द्वारा किया जाता है, बहुत कम लोग उसमें involved हैं। जैसे अभी अमेरिका का example हम लोग लिए कि 1% से भी कम लोग उसमें involved हैं। तो यदि सरकार उनको सब्सिडी देती है तो उन्हें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बाकी 99% लोग तो दूसरे काम में इन्वॉल्व है। यदि एग्रीकल्चर के लिए वो 1% आदमी को थोड़ा सा अपने तरफ से रियायत ही दे देती है तो सरकार पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो सब्सिडी रेट उनको गवर्नमेंट के तरफ से हर चीज मिल जाती है, सब्सिडी रेट पे बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाता है, तो उनके गुड्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उन्हें ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन हमारे कंट्रीज में वो सारी सुविधाएं का अभाव हो जाता है, और हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के होते हुए भी हमें बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है वर्ल्ड मार्केट। ग्लोबलाइजेशन में वही चीजें यहाँ दी गई हैं कि बहुत बढ़िया हमारा है, डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर, महत्वपूर्ण उत्पादक देश है हमारा, क्या के किस चीज के लिए? तो राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट और स्पाइसेस, मसाले भी। लेकिन उसके बावजूद भी आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज। फिर भी हम उन जो विकसित देश हैं उनकी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। सब्सिडी उनको मिल जाती है, सरकार के तरफ से बहुत ज्यादा रियायतें दे दी जाती हैं, जिनके वजह से वो हमेशा फायदे में हो जाते हैं, उनके दाम कम होते हैं, सामान आसानी से बिक जाएंगे, और हमें उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वजह से हमें इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। आज खुद ही हमारा भारत का जो कृषि है वो अपने आप को उस मुकाम पे पाता है जहां से उसे समझ नहीं आता, जैसे कहते हैं ना चौरस्ता, चौराहा पे खड़ा पाता है अपने आप को, कहां जाए, किस रास्ते पर जाए, वहां से तो चार चार रास्ते निकल रहे हैं। उस कंडीशन में हमारी भारत की एग्रीकल्चर पहुंच गई है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थर्स्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। हमारे कृषि को सफल बनाने के लिए जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, जो छोटे छोटे खेतों वाले हैं, उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने चर्चा किया था कि जैसे उनका काउंटिंग मान लो हो गया, सर्वे हुआ और वो एपीएल में आ गया, कोई सुविधा नहीं मिली। अब एपीएल में है तब तो भाई वो एपीएल है, एबव पॉवर्टी लाइन। लेकिन जैसे ही
टर्म कंडीशन गड़बड़ हुए, वो बीपीएल में खिसक गए, स्लिप हो गए, तब उन्हें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब तो वो उन सब चीजों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो उनके बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट के लिए है। तो अब ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दे करके गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि उन्हें ऐसे कंडीशन से बचाया जा सके जिससे कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, चैलेंजेस को झेलना पड़ रहा है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट टुडे इट्स अंडर कॉन्ट्रोवर्सीज। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी अंडरलाइन करो। ग्रीन रेवोल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा वादा किया लेकिन बहुत सारे विरोधाभासों से आज वो घिरा हुआ। हम लोग कहते हैं ना उपज तो दिया लेकिन आज के समय में जमीन को बंजर कर दिया, हमारा वाटर लेवल को बहुत डाउन कर दिया। प्रिंस बैलून कम उड़ाओ बेटा, अभी कहोगे कि मैडम इंटरनेट ठीक नहीं रहता है। एक तो तुम लोग क्या करते हो पीछे समझ ही नहीं आता है, कैमरा ऑन ही नहीं करोगे, सोते रहते हो कि खाते रहते हो कि नाचते रहते हो कि बैलून उड़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो, भगवान जाने क्या कर रहे हो। एवरीडे कहते हैं कि बेटा कैमरा ऑन करो, हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो सुन रहा है, सब गायब हो जाते हो, हम लोग बड़बड़ाते रहते हैं, ब्लैंक केवल देख लेते हैं। हाँ एक यहाँ पे कंप्यूटर का मॉनिटर है, उसमें आ रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम, इधर तुम्हारा नाम आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स, म्यूट ऑल नीचे ऑप्शन है, म्यूट करना है तो म्यूट ऑल कर दो, अनम्यूट करना है तो बस इतना ही देख करके बकबकाते रहते, क्या इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाने में बताओ। थोड़ा तुम लोग भी सामने रहते, शांति से पढ़ते, अपने क्वेरीज को पूछते, कुछ बातों पे डिस्कस करते, वन वे कन्वर्सेशन होता है क्या स्टडी, टू वे होना चाहिए। तो दूसरा तरफ यदि खोल दिया जाए तो बकवास करने लगोगे, गाना बजाने लगोगे, टाइम भी खत्म होने वाला है। तुरंत तुम लोगों का जो जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको पूछने के लिए रखे रहो, तुरंत थोड़ा सा टॉपिक है इसको कवर कर दो। The green revolution promised much, but today it is under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals. Chemicals का इतना ज्यादा हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है कि आज हमारी लैंड बिल्कुल डिग्रेडेड हो गई है, बंजर हो गई है, उसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल ही कम हो गई है। और साथ ही साथ क्या हो गया है, ड्राइंग एक्वेफर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटीज। पानी का लेवल सूखता चला जा रहा है, हमारे जल के स्रोत जो है वो सूख रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। कई तरह के कीड़े मकोड़े, कई तरह के पेड़ पौधे अब झुलस गए, जो हम लोग वीडिसाइड डालते हैं घास मारने वाला दवा, उन सबसे भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। दूसरे भी जो हमारे लिए यूजफुल है एनवायरमेंट में, वो सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है इससे। द की वर्ड टूडे इज जीन रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन कीजिए। वॉट डू यू मीन बाई जीन रेवोल्यूशन, जीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। यही जीन रेवोल्यूशन में तुम लोग एग्जाम्पल में देखते होगे कि हाइब्रिड सीड्स के बने हुए कुछ चीजें आती है, हाइब्रिड सीड्स के कुछ फसल आती है, जैसे उसके दाने बड़े बड़े होते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कभी कभी देखते हो पहले पुराने आम को जब हम लोग लगाते थे तो एक कहावत कहा जाता था, पांचे आम पचीसे महुआ, 5 साल पे आम का पेड़ फल देता था। आज के समय में साल भर लगाओ और तुरंत ही वो फल भी देने लगता है। तो ये क्या है, यही जीन रिवॉल्यूशन है। उसके जीन को ग्रो करके इतना फास्ट प्रोडक्शन देने वाला, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दी गई है, टाइम टेन्योर भी उसका कम हो गया। तो आज के जमाने में जीन रिवॉल्यूशन का ही समय, हमें उसी पर बल देना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इसको टिक कर लेना, याद भी कर लेना बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स को इन्वेंट करने के लिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया जाता है। और यहाँ पे दिया भी गया है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भले पढ़ने में तुम्हारा मन लगे या ना लगे, सुशांत सिंह राजपूत और एमएस धोनी की बातों को सुन रहे होंगे कि दोनों लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का बड़ा मन था। सुशांत सिंह राजपूत भी क्या चाहते थे कि केरल में जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अभी जब धोनी जी भी रिटायर लिए हैं, कहां से आपके क्रिकेट से संन्यास लिए, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी इच्छा है फार्मिंग करने की। कैसी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यही चीज यहाँ पे दिया है जिसको हम लोग जैविक खेती कहते हैं, यानी कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किए बगैर
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से वैसे मैन्योर से खेती करना है जिसका साइड इफेक्ट ना हो और हमारे जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो वो अच्छे हो, अच्छी वैरायटी में. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग टूडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. ये क्या है? ये ऐसा खेती करने का तरीका है जिसमें हम फैक्ट्री के बने हुए केमिकल्स के बगैर खेती करते हैं. उन सारे उर्वरक को उसमें डालते हैं जिसमें वो सारे जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं वो नहीं होते. हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन ए निगेटिव मैनर. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक तरीका है जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी डिग्रेडेड नहीं होगा और हमारा डेवलपमेंट भी होगा. जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे हम ग्रो भी कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ आवर फ्यूचर जेनरेशन. A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grows smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 600 million, which depends upon 250 million approximate hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. Socho kitne khatre ki ghanti baj rahi hai. Hamari itni badi abadi ke liye jo hamare paas खेती करने योग्य जमीन है वो इतना कम है कि उसका एवरेज निकाल दिया जाए तो एक आदमी पर केवल आधा हेक्टेयर जमीन पड़ जाएगा. अब सोचो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. ये सब सलाहें हैं बेटा, दीज आर द सजेशन गिवन टू द इंडियन फार्मर्स. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू द इंडियन फार्मर्स. According to your view, what do you want to suggest? तुम्हारे विचार में तुम क्या सलाह देना चाहते हो भारतीय किसानों को? तुम्हें क्या लगता है हम खेती के किस तकनीक को अपनाएंगे तो हमें भारत में फायदा होगा? तो ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, आप अपना भी व्यू लिखिए, उसके जो कारण है तथ्य है वो सही होने चाहिए. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. अनाज से हट करके हमें उन चीजों के उत्पादन पर जोर देना है जिसके मूल्य अधिक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स जो महंगे बिकते हैं. दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सिमल्टेनियसली बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जत्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और सुगर केन. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high-value crops. हमारे यहाँ climate भी ऐसा है कि हर तरह की हमारे यहाँ physiography है ना, हर तरह का climate भी पाया जाता है. कहीं dry भी है तो कहीं wet भी है, कहीं mountainous भी है, कहीं coastal भी है. तो यदि हम चाहें तो इस तरह के diversified type के patterns के crops को grow करके और उसे high value earn भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ नीचे भी बहुत जरूरी चीज दी गई है, उस पर भी ध्यान दो. क्या दिया गया है? चैलेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इंपोर्ट फूड. यदि हम हाई वैल्यूज क्रॉप्स पे ध्यान देने लगेंगे तो हमें इस चीज को भी मान के चलना होगा, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा कि हमें अब अनाज बाहर से आयात करने होंगे और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है. During 1960s, this would have been seen as disaster. 1960 में ये आपदा की तरह हमारे सामने आ गया था. But if India imports cereals while exporting high-value commodities, it will be following successful economics like Italy, Israel, and Chile. These countries export farm products, fruits, olives, specialties, seeds, and wine, and import cereals. Are we ready to take this risk? Debate the issue. कहा जा रहा है कि मान लो यदि हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दें और अनाज को उगाना बंद कर दें तो ये हमारे लिए चुनौती भी हो सकती है. क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मान लो यदि हमारा नहीं आ पाया समय से अनाज जिसके लिए हम ललायत हैं कि भाई खाए बगैर आदमी कैसे रहेगा, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? समय पे नहीं पहुंच पाया तो फिर हम क्या करेंगे? तो तुमको इसके ऊपर आपस में चर्चा करके डिबेट करनी है. अब स्टूडेंट्स, नाउ यू आर फ्री, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. यस स्टूडेंट्स, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन आस्क? सर,
मैम हाँ बेटा बोलो बिटवीन भूदान एंड ग्रामदान भूदान ग्रामदान अच्छा भूदान ग्रामदान पढ़े हो अभी याद नहीं है समझ नहीं आया मैम तो कवि का पढ़ाई है आप कवि का पढ़ाई उस दिन नहीं देख रहे थे क्या तुम लोग नहीं थे तुम लोग अच्छा नहीं थे भूदान ग्रामदान ना बेटा एक तरह का केस स्टडी है उसमें तुम्हें दिखाया गया है कि जब